TN01 में आपका स्वागत है, मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UVN08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। ग्राम पंचायत बहादुरपुरा जनपद ब्यावरा में पीने के पानी के लिए लोग परेशान, भ्रष्टाचार के चलते निर्माण कार्यों में की गई लापरवाही। देखते रहिए UVN08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित निवाड़ी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बहादुरपुरा जनपद ब्यावरा जिला राजगढ़ के नागरिक पीने के पानी के लिए परेशान हैं। कहने के लिए गांव में दो पानी की टंकियां हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते गांव के लोग परेशान हैं। गांव में गंदगी है, निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। गांव में नालियों का अभाव है, आंगनबाड़ी भवन में कचरा भरा पड़ा है। गांव में शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पानी की टंकी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई देखने वाला। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। पहले चलता था कि नाली लाइन गड़ी से निकल रहा है, 2-8 दिन 15 दिन का। तो ये कितना दिन से बंद है नाली? बंदी है वो तो बिल्कुल ही बंद है। फिर पानी कहाँ से लाते हो आप? पानी ये ट्यूबवेल चल रहे हैं उनके घरों में। ट्यूबवेल से लाते हैं? तो ट्यूबवेल लग रही है उनके घरों। अच्छा, सब भर भर है वो घर पे आते हैं ट्यूबवेल लग रही है। हाँ अच्छा, मतलब दो 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 टंकी है पानी के, उसके बावजूद तुम्हारे में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं आ रही हो? हाँ, वो जगह जगह लीकेज भी है। तो पानी पानी के लिए आप कहाँ से लाते हो पानी भर के? कुएं वगैरह पर जाते होंगे ना? नहीं, ट्यूबवेल चले, मतलब ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल मतलब माते से लाते हो ना भर के? माते से लाते हो भर के। हाँ, पहले पानी भरो फिर अपने मजदूरी पर जाओ। मजदूरी पर जाओ कोई या तो ही नहीं अपन लगपाजित करते हैं मजदूरी करके। महेश दांगी। हाँ, कौन सा गाँव है ये? बहादुरपुरा। ये पीने के पानी की यहाँ पर क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की समस्या है सर जी, ये 2 महीने पहले चलती थी लाइन है, और वो लाइन वाले ही आया था ना, ठेकेदार का आदमी आए थे और पंचायत में आए थे, वो मंत्री जी सभी गांव वाले बैठे थे। अभी पीने के पानी की व्यवस्था क्या, नल में पानी आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा, 2 महीना हो गया नल में पानी आ रहा, कुएं में भी नहीं आ रही, ट्यूबवेल लग रही, 2-1 फुट ट्यूबवेल में से भरते हैं पूरे गाँव। ट्यूबवेल से भर के लाते हैं पानी, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने। तो ये जो नल लगा रहे बस सौ फीस है? ये सौ फीस है सर, पूरे जितने भी लग रहा है यहाँ से वहाँ तक पूरे गांव में लग रहा है। वो लाइन छोटी है, हैंड ओवर कैसे कर ले ठेकेदार? हाँ, मतलब चालू नहीं है कुल मिला के, बंद पड़ी वो 2 महीना हुआ है। भाई पानी कोई व्यवस्था नहीं है, 2-2 टंकियाँ है पानी की यहाँ पर, उसके बावजूद पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, 2 टंकियाँ है दिखाने के लिए, जो भी आए पत्रकार आए अधिकारी आए 2-2 टंकियाँ देख लेंगे, वो वो तो टंकी देख के चले गए दूर से, 2 टंकियाँ तो दिक्कत नहीं है, खूब पानी है भंडार, लेकिन वास्तव में पानी नहीं आ रहा है इन नल। 2-2.5 महीना हो गया, और वो हैंडओवर का लफड़ा था इसलिए नहीं लिए गांव का ने, ये लाइन ना फूट रही है कंप्लीट कर दो, लाइन पूरी आनी चाहिए, नल पैसे ले देंगे गांव के, देंगे हमें नहीं देंगे, पर तुम ने हैंडओवर पहले पूरा काम चालू करो सर, व्यवस्थित 2 दिन चले फिर 2 महीने बंद हो गया, तो मतलब क्या?